आज मैं नाइट ड्यूटी के दौरान मैं कुछ एम्प्लॉज से मिला यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइफ की हकीकत क्या है, लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, लोगों की दुनिया में ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखो ये दो भाई हैं, ये बिहार से हैं, इनके साथ चार पांच लोग और हैं, ये नाइट ड्यूटी में है। ये लड़का है जो रेड शर्ट में है, ये 19 साल का है, और जो लेटा हुआ है ये 26 साल का है। तो मैं रेंडमली इनसे ऐसे ही बात करने आ गया, रात को नाइट ड्यूटी थी, स्टैंड बाई लगा हुआ था, तो सोचा चलो बात करते हैं। मेरी आदत है यूज़ टू कि मैं जब भी जाता हूँ तो ऐसे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। फिर आप कभी कंपेयर करना कि आप जिस जगह दुनिया में होना वो तो करोड़ों लोगों का सपना है वहाँ पहुँचना। तो नेवर रिग्रेट योर लाइफ कि हमने ये अचीव नहीं किया या हमारे पास ये नहीं है। और देखो इनका सुनो, मैं बताता हूँ आपको, ये जो लड़का ये मुझे बता रहा है कि इसकी शादी 8 साल पहले हो गई, अभी इसकी करंट एज है 26 साल और इसके दो बच्चे भी हैं। तो मैं इसको बोला कि भाई चलो आपने पढ़ाई नहीं करी है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, आपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, प्राइवेट में पढ़ाओ और उनको इस कैपेबल बनाओ कि एटलीस्ट दे डू समथिंग ऑन देयर ऑन कैपेबिलिटी, मतलब कोई अच्छा काम कर ले अपनी लाइफ में, उनको ये सब देखना ना पड़े जो आप यहाँ ये सब कर रहे हो। क्योंकि देखो इनका है, ये लोग 4 महीने में एक बार 15 दिन के लिए घर जाते हैं और इनकी सैलरी है लगभग 18,000 से 20,000 पर मंथ। तो इनको खाना पीने का रहने का ये लोग देते हैं 1500 रुपये समथिंग मंथली खाने का देते हैं, और वैसे हैं ठीक है। इनको 12 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी नाइट की, शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक, और डे शिफ्ट वालों की सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी होती है। सोचो इनकी कुछ भी उम्र नहीं है, ये मोस्ट ऑफ ये 200 लोग हैं अप्रोक्सीमेट, बिहारी है, सारे बिहारी हैं, ये पटना के रहने वाले हैं। अब इसके 26 साल की उम्र में दो बच्चे हैं, 18 साल की एज में इसकी शादी हो गई। ये जो रेड शर्ट वाला है, इससे मैंने पूछा भाई क्या करना चाहता है तू, कि कंधे पे हाथ रख के मैं पूछा सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। इनके कौन सी क्लास तक पढ़े हो, खेरा 12 तक पढ़े हैं। तो बिहारी लैंग्वेज सुनने में बड़ा मज़ा आता है, 12 तक पढ़े हैं। फिर पूछा घर में कौन है, और इसने बताया कि बड़ा भाई है, मम्मी पापा है, ये है मम्मी पापा, इसके राजमिस्त्री का काम करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, कह रहा मैं सब पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा इसकी उम्र अभी 19 साल है इस लड़के की, सोचो ये मुझे अपनी वाइफ दिखा रहा है, इसका बच्चा दिखा रहा है, ये सर मेरे वाइफ बच्चे। मैं बोला बहुत सुंदर वाइफ है आपकी, अगर इसको अच्छे से वो दो, फैसिलिटीज़ दो, आप जैसे भी रहो, लेकिन इनको एटलीस्ट ऐसा क्लाइमेट दो कि ये यहाँ से पढ़ के अच्छा सवर के निखर के और लाइफ में कुछ अच्छा करे। अब ये लड़का ये 20,000 कमाता है, बताओ 4 महीने में एक बार जाते हैं 80,000 रुपये लेके घर जाते हैं। ये कह रहा था मैं कि कपड़े वपड़े खरीदता है अपने लिए, हाँ कपड़े वपड़े खरीदता हूँ और घर पे जाके देता हूँ पैसे। सोचो 4 महीने ऐसे नाइट ड्यूटी करके 19 साल का लड़का जिसको सुख दुख का कुछ पता नहीं है, इनकी कोई वो कोई ख्वाहिश नहीं है। बहुत भारत में क्या चल रहा है ना, मैं बता रहा हूँ आप हमेशा बहुत हम्बल रहो कि आप जहाँ पैदा हुए बहुत अच्छी जगह में पैदा हुए हो, तो अपने टाइम का और सिचुएशंस का बहुत सही से इस्तेमाल करो और अच्छा काम करते रहो, किसी का बुरा मत सोचो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।